नमस्कार, मंजुला प्रशिक्षण आर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको वेस्ट ऑफ बेस्ट में एक कलाकृति बनाना बताएंगे। हर घर में झाड़ू का उपयोग तो होता ही है, और जब झाड़ू पुरानी एवं छोटी हो जाती है तब उसे अनुपयोगी समझकर डस्टबिन में डाल देते हैं। आज उसी अनुपयोगी झाड़ू से सुंदर कलाकृति बनाना बताएंगे। इसके लिए सामग्री लेंगे 2-4 पुरानी झाड़ू, फेविकोल, काला कपड़ा 1 मीटर, सफेद कार्बन, हार्ड बोर्ड। तो आइए सबसे पहले कपड़े की नाप लेकर कटिंग करें और उसको हार्ड बोर्ड के ऊपर चिपकाएंगे। ये कपड़ा जो 1 मीटर है इसे लंबाई में पूरा लेंगे और चौड़ाई में 20 इंच नाप कर कटिंग करेंगे। लंबाई 1 मीटर कपड़े की जो लंबाई उसी पूरी ले लेंगे और चौड़ाई को 20 इंच नाप के काटेंगे। यदि आप छोटा डिजाइन बनाना चाहें तो कपड़ा डिजाइन के अनुसार नाप कर काट लें। तो आइए इसको कटिंग करके पहले ड्राइंग करेंगे। और देखिए जैसे ये पुरानी झाड़ू है तो इसकी पूरी इसको खोल के यहाँ से निकाल के यह झाड़ू अब अनुपयोगी हो गया है, तो इसके पूरे सींक निकाल लेंगे। इसे यहाँ से खोलना शुरू करेंगे और सारे सींक निकाल करके इकट्ठा कर लेंगे। देखिए यह डिजाइन पूरा ट्रेस कर लिए है। कार्बन को छोटा पड़े तो सेलो टेप लगा के चिपका करके कार्बन बड़ा करके पूरी डिजाइन में आना चाहिए, और पेंसिल के जरिए पूरा ट्रेस कर लिए डिजाइन को। देखिए इस प्रकार डिजाइन को कपड़े के ऊपर ट्रेस कर लेंगे। आप इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं अपने मनपसंद अनुसार। अब इसके ऊपर जो पुरानी झाड़ू है उसका सीन कैंची से काट के डिजाइन के अनुसार चिपकाते जाएंगे। पहले फेविकोल लगाएंगे और छोटा छोटा पीस काट के चिपकाते जाएंगे डिजाइन के अनुसार। देखिए पूरी ड्राइंग हो गई है कपड़े के ऊपर। अब ये सीख है जैसे इसमें से निकाले हैं, इकट्ठा कर लिए हैं, तो जैसे जितना इसका ड्राइंग का जहाँ जहाँ पे जितना लगेगा, जैसे यहाँ पे इतना लगेगा, चाहे तो ऐसे ले सकते हैं या स्केल से नाप करके। जैसे 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर कटिंग कैंची से कर लिए हैं, ऐसे करके 5 सेंटीमीटर काट लिए। अब इसको इसका नाप लिए हैं, यहाँ पे फेविकोल से लगाएंगे और जहाँ पे जैसे छोटा सा लगाना है सींक वहाँ पे ये धान की बाली है, तो इस बाली से धान निकाल के जहाँ पे छोटा मोड़ आएगा वहाँ पे इसको लगाएंगे। ये छोटा मोड़ के लिए है। देखिए ऐसे चाहे तो ऐसे फेविकोल या चाहे तो इसमें लगा सकते हैं, एक ही मतलब है। और इसमें भी लगा सकते हैं। और इसको इस प्रकार इसको सूखने में थोड़ा देर टाइम लगेगा। अब जैसे यहाँ से यहाँ मोड़ है उसके लिए ये कटिंग कर लिए हैं, अब इसको वहां पे लगाएंगे। देखिए बस इसका रिलीज हो गया। देखिए इसको लगाएंगे, बस इसी प्रकार इसकी कटिंग करते जाएंगे और जैसा जैसा ड्राइंग बना है फेविकोल लगाते जाएंगे और इसका इसको चिपकाते जाएंगे। जहाँ पे एकदम छोटा मोड़ आएगा जो इसको लगाते नहीं बने, वहाँ पे धान की बाली से लेके
इसको चिपकाएंगे, बस उसी प्रकार पूरा बनाते जाएंगे। देखिए इसको, इसका आउटलाइन पूरे का पूरा इस प्रकार लगाए हैं। ये थर्मोकोल कटर है, इसी की सहायता से इसको जिस भी आकार में काटना चाहें काट सकते हैं। ये थर्मोकोल कटर है, ये स्टेशनरी में मिल जाता है आसानी से। ये देखिए, जैसे इसको बीच से दो पीस करना है तो इस प्रकार इसको बीच से दो पीस कर सकते हैं, या जैसे गोलाई का आकार देना है तो इस प्रकार इसको छोटा और पीस का आकार देना है तो इसकी तिरछी कटिंग कर सकते हैं। ऐसे जिस आकार में देना चाहें इसको काट सकते हैं। और इसको यहाँ पे जैसे ड्राइंग के ऊपर इसको इससे जिस भी आकार में काटना चाहे सीख को काट सकते हैं, गोलाई का आकार डिजाइन देने के लिए। और देखिए इसको यहाँ पे बस इसको लगाते जाएंगे। देखिए बस इसी प्रकार गोलाई आकार देने के लिए इसको ऐसे गोलाई आकार में काटेंगे। जैसे ये गोलाई आकार में काट के लगाए हैं, पतला और करना है तो ये इसी से इसको पतला कर सकते हैं। इस प्रकार आकार देना है तो इसको जो भी आकार हमको चाहिए वो काट सकते हैं। से छिलना काटना सब हो जाता है। ये देखिए इसे तिरछी आकार बना रहे हैं, इस प्रकार अब इसको जहाँ पे लगाना है इसको लगाएंगे। इसको बनाना एकदम आसान है, इसको बच्चे लोग भी बना सकते हैं। वैसे यदि चाहें तो इसका ये सीप मार्केट से ले सकते हैं, यह जहाँ ऐसा सामान मिलता है वहाँ पे ये आसानी से मिल जाएगा। इसको बनाने में सिर्फ फेविकोल और ये थर्मोकोल कटर इतने की जरूरत पड़ती है। ये जैसे हम आउटलाइन दिए हैं तो ये आउटलाइन देने के लिए हमें मोटा सीख की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके लिए मार्केट से लेना ही पड़ेगा। सीख मार्केट से ले आएंगे क्योंकि यह बड़ा सीन बन रहा है, तो इसके लिए हम लिए हैं मार्केट से बॉर्डर लाइन के लिए। जैसा यदि आप बड़ा सीन बनाएं तो आप इस प्रकार से सीन मार्केट से एक पैकेट ले सकते हैं, या जहाँ पे इस टाइप का सामान मिलता है। देखिए बड़ा सीन बनाएं तो ऐसा आपको जितनी ज़रूरत हो एक पैकेट या दो पैकेट आप मार्केट से ला सकते हैं। जहाँ इस प्रकार सामान मिलता है वहाँ पे ये सीप आपको आसानी से मिल जाएगा और इसकी कीमत भी एकदम कम रहती है। वहीं पे ऐसा एक कटर भी ले लेंगे। यदि बड़ा सीप बना रहे हैं तो छोटा बना रहे हैं तो झाड़ू से निकाले हुए सीप से बन जाएगा। हमें आउटलाइन के लिए, बॉर्डर के लिए
लेना पड़ा। देखिए आप लोग, इस सीन को बनाने में हम कहीं कहीं धान का भी उपयोग किए हैं, धान इस प्रकार निकाल लिए हैं। जैसे दिया बना है तो यहाँ पे इसकी लौ में धान का उपयोग, ऐसे ही कहीं कहीं पे डिजाइन में धान का उपयोग किए हैं। बस इसको वही सिंपल फेविकोल लगा के चिपका देना है। देखिए ये कटर है, इससे सीख को काटना छीलना सब हो जाता है। यदि इस प्रकार जैसे आकृति देनी है तो भी कटर से ऐसी आकृति में सीख को काट सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार पीस कर लिए हैं और इसको बीच से इस प्रकार, ये देखिए ये काटना हो गया। छिलने की उतनी ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि छिलने से चमक कम हो जाती है, इसकी चमक कम हो जाती है छिलने से। इसको बीच से और इस प्रकार काट सकते हैं। देखिए ये देखिए ऐसा जैसा डिजाइन चाहिए वैसा काट। ये देखिए जैसा, यदि कहीं पर का सीक बनने से पहले निकलने लगे तो इस पर दोबारा फेविकोल लगा के जो आउटलाइन है उसमें बड़ा सीख लेने से कभी कभी निकलने लगता है, तो इसमें दोबारा फेविकोल लगा के इसको अच्छे से चिपका दिए। बस जैसे हमें डिजाइन चाहिए वैसा काटते जाएं और डिजाइन के ऊपर लगाते जाएंगे। देखिए हम आपको अपना एक अनुभव बता रहे हैं, यह हमारा अनुभव है और यह सीक्रेट भी है। यदि आपको काटने में परेशानी आ रही है, इस हमने इसको अपना अनुभव को खुद ही करके देखे हैं। यदि किस आकार में हमें चाहिए वह नहीं कट रहा है तो इसको थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए पानी में डुबा दें और तुरंत पानी से निकालें तो ये मनचाहा आकार में कटने लगता है। हमें जैसा आकार चाहिए यदि वैसा नहीं बन रहा है तो ऐसा सीख लेके बस पानी में डुबा तुरंत निकालें तो ये अच्छे और सही आकार में कटने लगता है। देखिए हमारा सी कार्ट पूरा बन चुका है, कंप्लीट हो गया है। इसको अब फ्रेमिंग कराना है, फ्रेमिंग के लिए भेजना है। और इसमें एक चीज आपको सही सही बता दें, जो तीन झाड़ू से सीक निकाले थे वह कम पड़ गया इसकी चुनरी बनाने के लिए, क्योंकि यह बड़ा सीना है, बड़ा कलाकृति है, इसीलिए हमें मार्केट से एक पैकेट सीख लेना पड़ा। नहीं तो छोटा सीन होता, जैसे कि मोर बनाते या घर बनाते, घर का सीन बनाते तो बन जाता। बड़ा सीन है इसीलिए हमको मार्केट से एक पैकेट लेना पड़ा है। और देखिए कितनी सुंदर लग रही है, आप लोग भी बनाइए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत